हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 2 चल रहा था ईयर टू ईयर। आज का जो वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है, यानी कि टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4th। आज का जो वीडियो है टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4th। आज की इस वीडियो में राहुल सर ने जो लास्ट चैप्टर था आपके चैप्टर 2 ईयर टू ईयर, ठीक है, उसके 5 पेजेस आपको रीडिंग करवा दिए थे, ठीक है। आगे की जो पेजेस है उनको आज की वीडियो में रीडिंग करवाएंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स हो गई थी, इसके बाद आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर राहुल सर करवाएंगे, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। अगर कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, सो यू कैन इजिली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग, ठीक है। चलते हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है, और बढ़ते हैं आपकी बुक ईवीएस पर क्लास 4th के लिए चैप्टर 2 है ईयर टू ईयर। चलते हैं उस चैप्टर के पेज नंबर 6 पर, ठीक है, रीडिंग पर चलते हैं और अच्छे से होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, सो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब राहुल सर यूट्यूब चैनल, ठीक है। और कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें, लेकिन बेल आइकन पर क्लिक जरूर करते हैं। इससे क्या होगा, मेरी डेली जो ट्रिक्स है वो आप लोगों तक पहुंच सके। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है, चैप्टर 2, ठीक है, रीडिंग पे चलते हैं पेज नंबर 6 पर ईयर टू ईयर, ठीक है। ईयर टू ईयर की बात करें, ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स तो आपको करवाई दी थी, ठीक है, और चैप्टर की जब बात करना चाहेंगे यहाँ पर राहुल सर तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा तो बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए चलते हैं टॉपिक पर, ठीक है। और चैप्टर रीडिंग चल रही थी चैप्टर 2 की, ठीक है, चैप्टर रीडिंग चल रही थी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अब चैप्टर 5 जो चैप्टर 2 है उसका पेज नंबर 5 बता ही दिया था कि एक जो चैप्टर क्या बोलते हैं 2 है उसका पेज नंबर 4 पर आपको कुछ एनिमल्स की पिक्स दी हुई है और उनकी स्किन का कलर दिया गया है, उनका डायग्राम दिया गया है, तो आपको मैच करना है कि कौन सा जो क्या बोलते हैं एनिमल है वो किस, जैसे जो टाइगर होता है वो येलो कलर उस पर धारियां होती है, ठीक है, जेब्रा जो ब्लैक और व्हाइट कलर का मिक्सअप होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। आगे चलते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है यू माइट हैव सीन, ठीक है, आप अपने एंड्रॉइड फोन की एप्लीकेशन NCERT को ओपन कर लीजिएगा और वहां पर या बुक है तो बहुत अच्छी बात है, यदि बुक है, ठीक है, इफ यू हैव बुक एट प्रेजेंट, ठीक है, राइट नाउ, सो यू कैन ओपन, ठीक है, पेज नंबर 5 ऑफ चैप्टर 2 ईयर टू ईयर ऑफ क्लास 4th EBS एनवायरमेंटल स्टडीज। चैप्टर 2 के पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है यू माइट हैव सीन, आपने कभी देखा होगा कुछ एनिमल्स को, जैसे फॉक्स है, एलिफेंट है, ठीक है, स्पैरो, पीजन है, इनको आपको अलग अलग करना है कि इन आपको और भी एनिमल्स दिए गए हैं, फ्रॉग, क्रो, पिकॉक, पिग, माउस, कैट, बफेलो, डक, हैन, कैमल, लिजार्ड, काउ, ये जो 12, 13 या आई थिंक 16 एनिमल्स के नाम दिए गए हैं उन एनिमल्स को आपको कैटेगराइज करना है। कैसे कैटेगराइज करना है, एक तो उनके कौन से एनिमल्स के ईयर्स होते हैं जो दिख सकते हैं, कौन से एनिमल्स के ईयर्स दिखते नहीं है, ठीक है, उनकी स्किन पर हेयर होते हैं, कौन से एनिमल्स देख सकते हैं, कौन से एनिमल्स की स्किन पर फेदर्स होते हैं, तो इतना तो आप अपना कॉमन सेंस लगाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे माउस के जो ईयर होते हैं वो छोटे होते हैं, एलिफेंट के ईयर बड़े होते हैं, ठीक है, स्नेक के ईयर होते हैं लेकिन हिडन होते हैं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है इफ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, कभी आप किसी एलिफेंट हाथी से मिले हो क्या, किसी हाथी से जू में देखा होगा, अक्सर जाते रहते हो आप लोग, वुड यू डेयर टू टच इट, आपने उसे छूने का साहस किया है, वुड यू डेयर, DARE, वुड यू डेयर टू टच इट, आपने उसे छूने का कभी दुस्साहस या बोल सकते हैं साहस किया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं डेट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज हेयर ऑन इट्स स्किन, क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट की जो स्किन होते हैं, स्किन उसकी जो खाल होती है, देख लेना मेरी हिंदी इतनी ज्यादा बेटर नहीं है बट मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ट्रांसलेट करने की, स्किन पर जो हेयर्स होते हैं आपने कभी आइडेंटिफाई किए हैं क्या, ठीक है। आगे चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। पेज नंबर 6 पर आपको वल्चर दिया गया है, ठीक है, उसमें दिखाया गया है कुछ ऐसे एनिमल्स की पिक्स दी हुई है, क्या वो एनिमल अंडे देते हैं क्या, तो उसमें लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूं, कैन यू टेल, ठीक है, क्या लिखा हुआ, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स, क्या आप हमें बता सकते हैं कुछ एनिमल्स के नाम, मेंशन्ड इन द लिस्ट ए लेज एग्स,
कुछ एनिमल्स के नाम आप बता सकते हो कि जो अंडे देते हैं, जैसे हैन देती है, ठीक है, पिकॉक, ठीक है, हैन देती है, और आपके और भी है, जैसे आपके पीजन देता है, अंडे देता है, ठीक है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्सेस। आपको नीचे दो बॉक्स बनाए गए हैं, उन बॉक्सेस में उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। ये आप कर ही लोगे। इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो उसको मैं रीड कर देता हूं, ठीक है। नाउ लुक अगेन एट द टेबल। अब हम टेबल की तरफ देखते हैं, ऑन द प्रीवियस पेज, पिछले पेज पर जाते हैं, और पिछले पेज में हमने टेबल बनाई थी, उसके फोर ब्लॉक्स थे, ठीक है। एक तो ऐसे एनिमल्स कैन बी सीन, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके कान दिखते हैं। दूसरी में लिखा हुआ है ब्लॉक में ऐसे एनिमल जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं, आया समझ में। और थर्ड टेबल में लिखा हुआ है ईयर्स कैन नॉट बी सीन, ऐसे एनिमल जिनके जो ईयर्स होते हैं वो आप देख नहीं सकते। अगले जो टेबल में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऐसे एनिमल जिनकी स्किन पर फेदर होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टेबल्स भी की बात कर रहा है ये, ठीक है। आप देखिए, ड्रॉ आ अंडरलाइन, ड्रॉ आ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। ये आपसे एक लाइन ड्रॉ करवा रहा है उन एनिमल्स के नाम के नीचे। क्यों करवा रहा है आगे देखते हैं, क्यों करवा रहा है भाई। हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्सेस, जो कि ग्रीन बॉक्स में लिखे गए हैं, यानी कि आप जो ग्रीन बॉक्स में एनिमल्स के नाम लिखोगे उन एनिमल्स के नेम के नीचे ये अंडरलाइन करवा रहा है, ठीक है। पुट ए सर्किल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल्स। पुट ए सर्किल यानी कि एक आपको सर्किल अराउंड करना है, एक सर्किल बनाना है उन एनिमल्स के नाम के चारों तरफ, हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स, जो कि रेड बॉक्स में लिखे गए। मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले ही, आपको बताया था दो बॉक्सेज हैं, एक तो क्या बोलता है रेड बॉक्स है, ठीक है, एक ग्रीन बॉक्स है। तो ये वो कह रहा है कि रेड बॉक्स में जो एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं उनके नाम के चारों तरफ तो आपको सर्कल बनाना है, गोला करना है, और ग्रीन बॉक्स में जो एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं उन एनिमल्स के नाम के नीचे अंडरलाइन करनी है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सो वॉट डिड यू नोट, क्या आप नोट किया है आपने, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सीन, ऐसे एनिमल्स जिनके, ठीक है, ईयर्स होते हैं, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर पर बाल होते हैं। दीज एनिमल्स गिव बर्थ, यानी कि ये जो जानवर है गिव यानी कि देते हैं बर्थ, BIRTH यानी कि जन्म, किसको देते हैं, टू द यंग वंस, अपने ही जैसे दूसरी संतानों को। यंग वंस का मतलब है अपने बच्चों को, यानी कि आप अपने माँ बाप के बच्चे, आपके पिताजी भी आपके दादाजी के बच्चे, उनके जो आपके दादाजी है वो भी किसी के बच्चे होंगे, और आप अपने पिता के, आपके पिता अपने दादा के, आपके दादा उनके पिता के, उनके पिता उनके पिता के। तो इस तरीके से एक अल्टरनेट ये संतति, एक जनरेशन चल रही है, ठीक है। और इसे बोलते हैं जैसे आपके दादाजी से आपके पिताजी का जन्म हुआ तो वो हो गए आपके पिताजी, जो है वो अपने आपके जो ग्रैंड पा है, आपके दादा है, उनके क्या हुए, यंग वंस। ऐसे ही जो आप हैं आप भी अपने माँ बाप के क्या हो, यंग वंस, यानी कि आपके माँ बाप ने आप लोगों को जन्म दिया है। ऐसे कोई भी जानवर है, यदि एनिमल्स है, वो अपने जैसे दूसरी संतति, अपने जैसे दूसरे बच्चों को जन्म देता है। जैसे हमारा जन्म हमारी माँ से हुआ है, तो हमारी माँ के जैसे मेल या फीमेल होना तो वो डिपेंड करता है फर्टिलिटी पर, या फिर क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। जो आप मेल हो, आप बॉयज हो, गर्ल्स हो, घर में बॉयज भी होती है, गर्ल्स भी होता है, वो तो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पर, वो आपके लेवल की चीज नहीं है। वो आगे आप जब 9th क्लास में आ जाओगे, 10th में जब आपको बताएंगे राहुल सर, ठीक है। तो अभी तो इतना सा समझिए कि जो आप हैं, आपकी जनरेशन है, वो आपके माँ बाप की जनरेशन हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। दोज एनिमल्स डेट डू नॉट हैव, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि ईयर से नहीं रखते हैं आउटसाइड, जैसे स्नेक है, स्नेक के ईयर तो होते हैं बट आउटसाइड नहीं होते, दिखते नहीं है, जैसे हम लोगों के दिखते हैं, एलिफेंट के दिखते हैं, माउस के दिखते हैं बट छोटे होते हैं, हेयर के मतलब खरगोश के दिखते हैं, ठीक है, जैसे कछुए के नहीं दिखते आपको, स्नेक के नहीं दिखते, तो उनके मेंढक के नहीं दिखते, तो उनके ईयर्स तो होते हैं बट हिडन होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कहना चाह रहा है। डू नॉट हैव हेयर ऑन द बॉडी, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। दीज एनिमल्स ले जैस, ऐसे एनिमल्स अंडे देते हैं क्या। आगे देखिए, पॉइंटों में पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स के नाम भी पूछना चाह रहा है ये। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट होता क्या है कि आप लोगों को थोड़ा अपना माइंड सेट करना है। माइंड सेट से मतलब है आप लोगों को, कर तो सकते हो आप लोग, लेकिन थोड़ा आप उस पर क्या कीजिए, उस पर थोड़ा मेडिटेशन या उस पर विचार कीजिए, आप खुद भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको बता दूं कि ऐसे एनिमल्स जिनके सर होता है, हेड होता है, एलिफेंट के होता है, रैबिट के होता है, माउस के होता है,
जिराफ के भी होता है। ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स होते हैं माउस के होते हैं, जिराफ के होते हैं, डॉग के होते हैं, फॉक्स के होते हैं, एलिफेंट के होते हैं। हेड, ऐसे एनिमल्स जैसे डॉग का जो हेड मतलब उनके शरीर पर ही, जैसे कान होते हैं ठीक है हेड पर, डॉग, बफेलो ठीक है, जैसे रैबिट की बात करें ठीक है, ईयर्स कौन कौन के, रैबिट, डियर, बफेलो ठीक है। देखो आपको और भी कुछ राहुल सर बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंशन होकर के सुनना बॉयज एंड गर्ल्स ठीक है। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स होते हैं ठीक है, और उनके ईयर्स हम लोग देख सकते हैं, आपने बता सकते हो ऐसे एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स के नाम बता सकते हो जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, जैसे आप डियर के देख सकते हो, टाइगर के देख सकते हो आप लोग, बफेलो के देख सकते हो, काऊ के देख सकते हो ठीक है, कैट के देख सकते हो, पिग के देख सकते हो, जिराफ के देख सकते हो, एलिफेंट के देख सकते हो। और ऐसे एनिमल्स जिनके कान तो होते हैं बट आप देख नहीं सकते, बता सकते हो क्या आपने, देखिए फिश, फिश के कान होते हैं बट आप देख नहीं सकते ठीक है, स्नैक, सांप के, लिजार्ड, छिपकली के देखे हैं कान, नहीं देखे ना लेकिन होते हैं ठीक है, डक, डक के भी कान होते हैं लेकिन हिडन होते हैं ठीक है, क्रो, आंट, चींटियों के भी कान होते हैं, सुन लेना आज ध्यान से, चींटियां जबकि होती कितनी सी है, जबकि इतने बड़े हाथी की आपने स्टोरी सुनी होगी, एलिफेंट एंड आंट ठीक है, एलिफेंट एंड आंट ठीक है, आंट और एलिफेंट की स्टोरी सुनी होगी, तो इनके ईयर्स तो होते हैं बट हिडन होते हैं ठीक है। आगे चले, फिश है, फ्रॉग है, फ्रॉग के भी जो मेंढक होता है उसके भी ईयर्स होते हैं बट दिखते नहीं है ठीक है, आंट है, क्रो है, स्पैरो, स्पैरो के भी ईयर्स होते हैं बट दिखते नहीं है ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, वीडियो तो चल ही रहा है बट आपको एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि आप मेरे को उस एनिमल का नाम बताइए, उस टेल मी एन नेम ऑफ एन एलिमेंट विद ईयर्स लाइक फैन, जिसके पंखे जैसे कान होते हैं। पजल मान लीजिए, गेम खेल रहे, सोच लीजिए गेम खेल रहे राहुल सर आप लोगों के साथ ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जिसके पंखे जैसे कान होते हैं, फैन जैसे, फैन है ना आपके कमरे में ऊपर चल रहा है फैन, तो फैन जैसे कान होते हैं, सोचिए, आप लोगों को टाइम दे रहा हूं मैं सोचने का ठीक है, सोचते रहिए जब तक मैं आगे आपको बता देता हूं। कुछ भी ऐसे भी एनिमल्स है जिनके पत्तियों जैसे कान होते हैं, तो फैन यानी कि पंखे जैसे कान तो होते हैं एलिफेंट के, बड़े बड़े ठीक है, और पत्तियों जैसे छोटे छोटे कान होते हैं रैबिट के, चूहे के ठीक है। और ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जिसके जो कान होते हैं ना वो उसके सर पे ही होते हैं और बिल्कुल टॉप में होते हैं, ऊपर ही ऊपर होते हैं, मतलब जो एनिमल का सर होता है, हेड होता है, उस हेड पर तो उसके कान होते हैं लेकिन सबसे ऊपर होते हैं, सबसे पहले आपको दिखेगा ना उस एनिमल्स में, तो आप उसके ईयर्स ही देखोगे कौन सा है, रैबिट, कौन सा है वो, रैबिट ठीक है। और मेरे को ये बताइए उस एनिमल्स का नाम भी बता दीजिए लगे हाथ, कि जिसके जो कान होते हैं वो उसके सर के दोनों तरफ होते हैं। टेल मी द नेम ऑफ एन एनिमल, उस एनिमल का नाम बताइए विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, उसके हेड के दोनों तरफ उसके क्या होते हैं, सर के दोनों तरफ उसके कान होते हैं ठीक है। सोचिए सोचिए, आप डेली देखते हो, आपके घर के बाहर भी आता है वो डेली, उस एनिमल का नाम बताइए जिसके कान उसके सर के दोनों तरफ होते हैं, सोचिए 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 जल्दी से सोचिए। डॉग देखा है, कुत्ता, कुत्ता देखा है, उसके होते हैं डॉग के ठीक है। चलो जी, मेरे को आप ये बता दीजिए कि आपको मैं कुछ एनिमल्स के नाम बता रहा हूं, जैसे फ्रॉग है, माउस है, सुनते जाना ध्यान से, हैन है, क्रो है, कैट है, कैमल है, एलिफेंट है, स्पैरो है, पीजन है, पिकॉक है, बफेलो है, डक है, पिग है, लिजार्ड है, क्रो है। आपको कुछ मैंने 16-17 एनिमल्स के नाम बताइए, उन एनिमल्स को आपको मैं पूछ रहा हूं, उन एनिमल्स में इन जितने भी एनिमल्स के नाम राहुल सर ने बताए उसमें से मेरे को उन एनिमल्स का नाम बताइए जिनके कान आप देख सकते हो। आप सुन लीजिए एनिमल्स के नाम, फ्रॉग है ठीक है, फ्रॉग है ठीक है, फॉक्स है, माउस है, हैन है ठीक है, एलिफेंट है, क्रो है ठीक है, कैट है, कैमल है ठीक है, स्पैरो है, पिकॉक है, बफेलो है, लिजार्ड है, डक है, काऊ है, पिग है, पीजन है, बताइए। तो देखो उस एनिमल्स के नाम सुन लीजिए, एलिफेंट के कान आप देख सकते हो, देख सकते हो ना, फॉक्स के, लोमड़ी के देख सकते हो, पिग सुअर के देख सकते हो, माउस चूहे के देख सकते हो, कैट बिल्ली के देख सकते हो, बफेलो भैंस के देख सकते हो, काऊ गाय के देख सकते हो, कैमल ऊंट के देख सकते हो। तो ये तो क्या है, ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स आप देख सकते हो, लेकिन उन एनिमल्स के नाम बताइए जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं, जिनकी स्किन पर हेयर यानी कि बाल होते हैं, जैसे फॉक्स के स्किन पर होते हैं, एलिफेंट की स्किन पर होते हैं,
पिगी की स्किन पर होते हैं, माउस की स्किन पर होते हैं, कैट की स्किन पर होते हैं, बफेलो की स्किन पर होते हैं, काऊ की स्किन पर होते हैं, कैमल की स्किन पर होते हैं, स्नेक की स्किन पर होते हैं क्या? नहीं होते। फ्रॉग की स्किन पर होते हैं क्या? नहीं होते। लिजार्ड की स्किन पर होते हैं क्या? नहीं होते। चलो जी, अब मेरे को बताइए उन एनिमल्स के नाम बताइए जिनके ईयर्स तो होते हैं बट आप देख नहीं सकते लेकिन वो सुन सकते हैं। सुना, देखा है आपने कभी ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जिनके ईयर्स होते हैं बट हिडन होते हैं, आप देख नहीं सकते लेकिन वो एनिमल्स सुन सकते हैं। आपको उनसे छेड़खानी मत कर देना आप भूल कर भी, ठीक है? कौन कौन से हैं? स्पैरो, उसके कान तो होते हैं लेकिन वो हिडन होते हैं, दिखते नहीं है, हमें नहीं दिखते लेकिन उसके होते हैं। पीजन के होते हैं, हमें नहीं दिखते। फ्रॉग के, मेंढक के होते हैं। क्रो, कौए के होते हैं। पिकॉक, मोर के होते हैं, ठीक है। डक के होते हैं। हैन, मुर्गी के होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है। लिजार्ड के होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है। चलो जी, अब राहुल सर पूछ रहे हैं उन एनिमल्स के नाम बता दीजिए आप जल्दी से कि उनकी स्किन पर पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं। उन एनिमल्स के नाम बताइए आप कि उनकी स्किन पर क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। स्पैरो, ठीक है। पीजन, स्पैरो, गौरैया, पीजन, कबूतर, ठीक है, उसकी स्किन पर क्या फेदर्स होते हैं। क्रो, कौवे की स्किन पर फेदर होते हैं। पिकॉक की स्किन पर फेदर होते हैं। डक की, बतख की स्किन पर फेदर होते हैं। हैन, मुर्गी की स्किन पर भी फेदर होते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब राहुल सर आपसे पूछने जा रहे हैं कि उन एनिमल्स के नाम बताओ जो बच्चों को जन्म देते हैं। क्या देते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, यानी कि गिव बर्थ टू बेबीज, जो बच्चों को जन्म देते हैं। एक तो हम लोग तो देते हैं, इंसान तो देते हैं, इंसान में फीमेल तो देती है, ठीक है, लेकिन एनिमल्स में बताइए उन एनिमल्स के नाम जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। डियर, जिराफ, कैट, बिल्ली देती है, पिग, सुअर भी देता है, बफेलो देता है, काऊ देता है, एलिफेंट देता है। ये अंडे नहीं देते, ये हमारे इस तरह डायरेक्ट बच्चे देते हैं। ये जो एनिमल्स अंडे नहीं देते, ठीक है, लेज एग्स, एग्स, दीज एनिमल्स आर नॉट क्या बोलते हैं, या डज नॉट गिव लेज एग्स, क्योंकि जो कि अंडे नहीं देते हैं बट बच्चों को ही जन्म दे देते हैं डायरेक्ट। लेकिन मैं पूछ रहा हूं उन एनिमल्स के नाम जो कि अंडे देते हैं लेकिन बच्चे नहीं देते, उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। आप उन एनिमल्स के नाम बताइए जो कि वो अंडे देते हैं और उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं जब वो क्या मैच्योर्ड हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, अंडे मैच्योर्ड हो जाते हैं और मैच्योर्ड होने पर ऑटोमेटिकली उन अंडों में से बच्चों का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डायरेक्ट बच्चे नहीं देते। देखो, फ्रॉग, मेंढक अंडे देता है, ठीक है, डायरेक्ट बच्चा नहीं देता। क्रो, कौवे अंडे देता है। स्पैरो, लिजार्ड, आंट, पैरट, पैरट भी अंडे देता है, ठीक है। फिश, फिश भी अंडे देती है, डायरेक्ट बच्चे नहीं देती, ध्यान रखना फिश का, फिश अंडे देती है, बच्चों को डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देती है। डक, डक भी क्या देती है, अंडे देती है लेकिन डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देती है, ठीक है, सुन लिया आपने। तो ये बहुत सारी चीजें जो आप डेली लाइफ में देखते तो हो, मतलब आपको पता है बट आप प्रॉपर क्या है उस के बारे में कंसल्ट नहीं कर पाते, मतलब सोचते नहीं हो, तो आप क्या है थोड़ा सोचा करो, ठीक है। तो क्या है कि हम डेली लाइफ में देखते हैं लेकिन हम उसे एग्जैक्टली बता नहीं पाते, ठीक है। आपके 8 पेज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और 10 पेज के चैप्टर है, 2 पेज आपके रह रहे हैं, 2 में 1 पेज पर डायग्राम है और 10 पेज पर केवल क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ठीक है। 9 और 10 पर क्वेश्चन आंसर है थोड़े बहुत, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर 2 ईयर टू ईयर जो कि क्लास 4th का है ईवीएस का, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और चैप्टर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम है ए डे विद नायडू, यानी कि नायडू के साथ एक दिन किस तरीके से बीता है हमारा, यानी कि नायडू एक एलिफेंट का नाम बताया गया है, ठीक है, ठीक है। उस एलिफेंट का नाम है, सॉरी नायडू नहीं, नंदू, उस एलिफेंट का नाम नंदू है, यानी कि चैप्टर का नाम है ए डे विद नंदू। क्या है चैप्टर का नाम? ए डे विद नंदू, यानी कि नंदू एक एलिफेंट का नाम है, उसके दिन हम दिन उसके साथ हम पूरा दिन बिताएंगे और हम फील करेंगे हमने क्या क्या उसके साथ किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।